कोरोना की दूसरी लहर पूरी गरीब आदिवासी परिवारन की कमर तोड़ दी सी। हालात यह है, रोजगार कहाँ है नहीं, आखिर खाए तो खाए का। किंतु मध्य प्रदेश के मुखिया ये कहा थे कि वह हर गरीब आदिवासी परिवार का हम मुफ्त में 5 महीना की खाद्यान्न दे रहे हैं। किंतु मध्य प्रदेश के एक हिस्सा से ऐसा खबर आई है कि एक गरीब परिवार राशन कार्ड हुए के बाद नमक और बैर खाए का मजबूर है। विंध्य क्षेत्र के ये पहले बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे सिस्टम के पोल खोले की या बेहद दुखद खबर के। जोड़े में अपना पंचन को बताया दी कि देश भर में कोरोना की दूसरी लहर एक बार फिर से गरीब परिवारन की कमर तोड़ दी, जिसके कारण कई एक गरीब परिवार दाना दाना का मोहताज हो गए। वहीं ऐसा ग्रामीण अंचल में रहने वाले आदिवासी परिवारन की हालत बहुत खराब है। कोरोना काल में कोरोना कर्फ्यू के बाद रोजगार नहीं मिले के कारण टीकमगढ़ के माची गांव के एक आदिवासी परिवार ए दिनार रोटी रोटी का मोहताज है, जो बैर और नमक खाए के पेट भरे का मजबूर है। यह आदिवासी परिवार में 10 लोग है, सरकारी राशन सिर्फ 2 लोगन का दिन जात है। ऐसा मां 8 लोगन के राशन मेहनत मजदूरी कर मुहैया होते है, लेकिन अब मजदूरी न मिले के कारण अबे जो है पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा। ऐसे मजबूरन यह परिवार अपन भूख मिटावे खातिर बैर और नमक खाए का मजबूर है। अपना प्रतिनिधि बताया दी कि टीकमगढ़ के जातर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत माची के हरिश्चंद्र आदिवासी बतावा थे कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कोनो योजना की उनका लाभ नहीं मिला है। बेहद गरीब है, एक बात उनका योजना से वंचित रखा जाता है। उनके द्वारा यह कहा गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय कार्य का मजदूरन की जगह जो है मशीन से करावा जाता है, जो से उन्हें उनका जो है मजदूरी करे गाँव से बाहर जाए का पड़ा है। अब ये लॉकडाउन में बाहर आ जाए नहीं सके, ऐसा मां सरकार कहती है कि गाँव में मजदूरन का काम दी जाए, वही वो जो है रोजगार खातिर परेशान ना हो, भरण पोषण कर सके। लेकिन बावजूद है कि पंचायत में मजदूरन का कार्य जो है मशीनन से करावा जाता है, ऐसे ऐसा गरीब परिवार रोटी खातिर परेशान होते, मजबूरन उनका बैर और नमक खाए के पेट भरे का पड़त है। वही हरिश्चंद्र के द्वारा यह बताया गया कि उनके परिवार में 10 सदस्य है, लेकिन उनके परिवार में सिर्फ 2 सदस्य का सरकारी राशन दिन जाते है। कई एक बेर सरपंच सचिव से गुहार लगाए के बाद उनके परिवार का राशन कार्ड में नहीं जोड़ागा। एक साथ जो है सचिव के द्वारा बार बार 500 रुपया लीन गए और उनके बाद उनका नाम नहीं जोड़ागा, जिसके वजह से उनका परिवार बैर और नमक खाए का मजबूर है। काहे कि भूखे पेट जो है हरिश्चंद्र के कहा है कि नींद नहीं आवे तो सोची यह पीड़ा, वह गरीब के पीड़ा जो बिल्कुल कहा जाए कि तन मन से पूरा टूट चुका है, वह सिस्टम से टूट चुका है जो सरकारन के झूठा भरोसा देते है। जो सरकार कहती है कि 5 महीना के हम खाद्यान्न दे थे, तो कौने बाप का खाद्यान्न देते हैं हम नहीं जानता है। हालात यह है कि यह तस्वीर यदि मध्य प्रदेश से आ रही है और आखिरी व्यक्ति यदि टीकमगढ़ में हुए हरिश्चंद्र, तब यह हम साफ तौर में कहा कि यह सरकार के पूरी तरह से नाकामी है कि टीकमगढ़ के यह व्यक्ति जो है जो नमक और बैर से अपने परिवार के भरण पोषण कर रहा है, सचिव उसे 500-500 रुपये के घूस लेके नाम नहीं जोड़ीस, ओके बाद हालात यह है कि यह लॉकडाउन यह में गरीब आदिवासी परिवारन के करिया तोड़ रहा है, तो सरकार आंखी फूट गए का ऐसा लोग नहीं दिखाएं। यदि हम पचे दिखाई थे तो तब तक दिखिलाए और ऐसा लोगन का बेहद अच्छी राहत दे, नहीं था इनके दुख के सैलाब में इनके आंखी के आंसू के सैलाब में बह जाबे पता न लागी। काहे कि यह कुर्सी केहू के बपौती न हो, यह कुर्सी हमेशा बदलत रही है। कौनो सहनसाह यह नहीं कह सके कि यह हमार बपौती आए, ए माँ हम भाजपा बनी कि कांग्रेस बनी या फिर अन्य बनी, ए माँ वह बनी जो जनता के सेवा करी। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब और कोशिश यह करब कि अपने पड़ोसी के हाल चाल जरूर ले। पड़ोसी यदि भूखा है तो 2 रोटी कम खाई, किंतु ओहू के पेट में रोटी जाए, नहीं तो यह में बैर नमक खाए के कई रोज जिंदा रह पाई। धन्यवाद, प्रणाम।